तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हमारी कास्ट वेरिफिकेशन के दौरान पटवारी जी ने कास्ट में गलती कर दी है, यानी जो कास्ट है वो गलत फील कर दी है, जैसे हमारी कास्ट ओबीसी है एससी कर दी है, या एससी है ओबीसी कर दी है, या फिर जर्नल है और ही कैटेगरी में एससी बीसी में डाल दिया है, या एससी या बीसी है उसे जर्नल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी यहाँ पर जो गलती है उसे हम ठीक कैसे करवा सकते हैं, और जो हमारी सही जाति है सही कास्ट है वो हम कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है फैमिली आईडी हरियाणा, इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो लिंक दिख रहे होंगे, आपके सामने इनमें से कोई सा लिंक आए आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, ऊपर मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट जी ओ वी डॉट इन होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है, ताकि जो विंडो हो वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको यूज करने में आसानी हो। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने यहां पर सिटीजन कॉर्नर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों यहां पर अब आपके सामने तीन ऑप्शन हैं, लेकिन हमें इन्हें कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यस नो का ऑप्शन है, आपके पास फैमिली आईडी नंबर आपको याद है तो आपको यस ही कर देना है, अगर नो करेंगे तो आधार नंबर फिल करना है, प्रोसेस सेम है। यस करने के बाद यहां पर फैमिली आईडी नंबर फिल कर दीजिए, और अगर आप आधार से सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार का ऑप्शन आ जाएगा, वो फिल करके सर्च कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है। इसके बाद दोस्तों चलिए सर्च कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद फैमिली आईडी में जो नंबर है वो आपको दिखाया जाएगा, उसके जो आखिरी के चार अक्षर हैं वो आपको दिखेंगे, आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ओके करना है, आपके पास जो ओटीपी आया है वो यहां पर फिल करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने फैमिली आईडी ओपन की है ये एससी कास्ट की फैमिली आईडी है, क्योंकि दोस्तों जनरल कास्ट की फैमिली आईडी जो होती है उसमें यहाँ पर ब्लैंक है, वो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, दिखा दूंगा दोस्तों, क्योंकि जो जनरल कास्ट है उसमें वेरिफिकेशन कास्ट का नहीं होता है, कास्ट वेरीफाई नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप यहाँ पर एससी देख रहे हैं, ये जो पीपीपी में कास्ट है यानी जो परिवार पहचान पत्र में जाती है वो एससी है, पटवारी ने जो वेरीफाई की है वो भी एससी है यानी शेड्यूल कास्ट। इसके बाद सब कास्ट जो होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, वेरीफाइड बाय पटवारी, इसके नीचे दोस्तों आपको पटवारी के मोबाइल नंबर दिखेंगे और यहाँ पर किस डेट को आपकी जो कास्ट है वो वेरीफाई की गई है। अब दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन लगाना है कि जी हमारी कास्ट तो गलत है, आपने गलत वेरीफाई कर दी, तो क्या करना होगा, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको मैं जर्नल वाली दिखा देता हूँ, पीपीपी में जर्नल है और यहाँ पर पटवारी द्वारा कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ है, यहाँ पर सब कुछ आप ब्लैंक देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन के लिए अपडेट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट कास्ट, यहाँ पर जब आप नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है सिलेक्ट कास्ट, आपको अपनी जो सही जाति है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपकी जर्नल है एससी है ओबीसी ए है यानी बीसी ए है बीसीबी है एसटी है, जो भी आपकी कास्ट है दोस्तों वो यहां से आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर चलिए हम एससी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सब कास्ट यहां पर दिखा दी जाएंगी, सब कास्ट पर हमें क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी अब आगे कास्ट है वो यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यहां पर दोस्तों आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। दोस्तों अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड यहां पर कर दीजिए, और दोस्तों अगर किसी भी परिवार के सदस्य का है वो ही यहां पर आप अपलोड कर देना, क्योंकि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पटवारी की मदद भी यहां पर आप ले सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास यह रिक्वेस्ट जाने वाली है, तो दोस्तों उनसे आप मदद ले सकते हैं और उनसे इससे संबंधित सलाह भी ले सकते हैं।
कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसकी यही प्रोसेस रहने वाली है। अगर आपकी जाति गलत है तो इस प्रकार आप अपडेट करवा सकते हैं, जल्दी होगी क्योंकि डायरेक्ट आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पटवारी के पास ही जाएगी दोस्तों, क्योंकि कास्ट वेरिफिकेशन उन्हीं के माध्यम से की जा रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई कमी लगी हो तो उसके बारे में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं ताकि वो गलती आगे से न हो। हो सकता है मुझसे कोई गलत जानकारी दी गई हो या मुझसे कोई कमी रह गई हो। अगर आप में से किसी को और ज़्यादा जानकारी पता हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं ताकि आगे से और भी अच्छी जानकारी निकल कर आए और अच्छी जानकारी आपको मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।